नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में, जिसमें कि हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में मुख्यतः मौसम कैसा रहा और आगे आने वाले 5 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा। अगर हम कल की बात करें, कल जो है हीट वेव कंडीशंस देखने को मिली हैं दिल्ली के अनेक स्थानों पे, गुड़ग्राम, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट राजस्थान, पंजाब, विदर्भ, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, कच्छ, साउथ उत्तर प्रदेश और नॉर्थ मध्य प्रदेश के कुछ एक स्थानों पे। इसके साथ ही कल जो हमारा अधिकतम तापमान है वो 43 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड मिला है पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, विदर्भ के अनेक स्थानों में, ईस्ट राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ एक स्थानों पे, और साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के एक आध स्थानों पे। हमारा मुख्यतः मेन जो हाईलाइट है वो है कि जो हीट वेव कंडीशंस है उत्तरी पश्चिमी भारत में अगले 24 घंटे तक रहेगी और मध्य भारत में अगले 2 दिनों तक रहेगी, इसके बाद हीट वेव से राहत मिलेगी। दूसरा है कि अभी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी जो है उत्तरी पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत में अगले 4 दिनों तक चलती रहेगी, वहीं पर उत्तरी पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों तक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कम दबाव का क्षेत्र जो है साउथ अंडमान सी में लगभग 6 मई के आसपास बनने की संभावना है। अगर हम अधिकतम तापमान को देखें तो हमारा जो उत्तरी पश्चिमी भारत है वहाँ पे अगले 2 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में गिरावट देखने को मिलेगी, और वहीं पे जो हमारा मध्य भारत है वहाँ पे अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड में गिरावट देखने को मिलेगी 3 मई। और उसके बाद वहीं पे हमारा जो पूर्वी भारत है गुजरात प्रदेश और महाराष्ट्र प्रदेश में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड में गिरावट देखने को मिलेगी अगले 3 दिनों तक। अगर हम हीट वेव की बात करें तो हीट वेव जो है विदर्भ रीजन में अगले 3 दिनों तक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में अगले 2 दिनों तक हमें देखने को मिलेगी। वहीं पे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, साउथ उत्तर प्रदेश, कच्छ और पूर्वी राजस्थान के एकाध स्थानों पर अगले 24 घंटे तक देखने को मिलेगी, और इसके बाद इन सभी स्थानों से हीट वेव कंडीशंस लगभग लगभग समाप्त हो जाएगी। अगर हम रेनफॉल फोरकास्ट को देखें तो खास करके जो हमारा उत्तरी पूर्वी भारत है वहाँ पे अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश अनेक स्थानों पे चलती रहेगी। इसके साथ ही वहाँ पे हमें थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड भी देखने को अगले 3 दिनों तक देखने को मिलेगी, और इसके अलावा जो है भारी वर्षा भी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के एरिया में 2 मई को, असम मेघालय में 2 मई, 3 और 4 मई को, और वहीं पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 3 और 4 मई को देखने को मिलेगी। और अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पे हल्की बारिश कुछ एक स्थानों पे बिहार, खास करके बिहार, झारखंड, गैंगटी, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में अगले 5 दिनों तक देखने को मिलेगी। अगर हम उत्तरी पश्चिमी भारत की बात करें तो वहाँ पे हल्की बारिश कुछ एक स्थानों पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इन सभी स्थानों पर थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से खास करके 3 मई, 4 मई और 5 मई को देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो हमारा जम्मू कश्मीर है वहाँ पर 3 मई को एक आध स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है, वहीं पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के एक आध स्थानों पर 3 और 4 मई को भी ओले गिरने की संभावना है। अगर हम उत्तरी पश्चिमी भारत के प्लेन एरिया की बात करें जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तो वहाँ पे अगले 4 दिनों तक एक आध स्थानों पे हल्की बारिश, उसके साथ ही थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म और लाइटनिंग देखने को मिलेगी। अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीप की बात करें तो वहाँ पे लगभग लगभग पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप में हल्की बारिश कुछ एक स्थानों पे और थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी अगले 5 दिनों तक हमें देखने को मिलती रहेगी। अगर हम कम दबाव के क्षेत्र की बात करें तो हमारा जो साउथ उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी है और उससे लगा हुआ जो हमारा अंडमान सी है वहाँ पे लगभग 6 तारीख के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, और ये क्षेत्र और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा अगले सब्सिक्वेंट 24 आवर में, जिसके चलते अंडमान निकोबार में 5 मई को भारी बारिश देखने को मिलेगी, और उसके साथ ही जो उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी है और उससे लगा हुआ जो साउथ अंडमान सी है वहाँ पे इक्वली वेदर, जिसमें कि लगभग हवा की गति रहेगी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिंग टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा 5 और 6 मई को। सो हमारे जो फिशरमैन हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि इन सभी एरिया में खास करके 5 और 6 मई को ना जाएं। ये हमारा
वेदर का वार्निंग है जो कि कलर कोडेड और ग्राफिकल फॉर्म में है। सो जो हमारा उत्तरी पूर्वी भारत है और पूर्वी भारत है वहाँ पे अगले 4 दिनों तक लगभग येलो कलर वार्निंग दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक स्थानों पे अगले 4 दिनों तक थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी चलती रहेगी। और जो उत्तरी पूर्वी भारत है वहाँ पे अगले 3 दिनों तक येलो कलर का वार्निंग दिया गया है। इसके साथ ही जो हमारा मध्य भारत है वहाँ पे अगले 2 दिनों तक हीट वेव रहेगी, जिसके चलते येलो कलर वार्निंग 2 दिनों के लिए दिया गया है। जबकि जो विदर्भ है वहाँ पे ऑरेंज कलर वार्निंग आज के लिए दिया गया है। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे ट्विटर पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं मौसम की अधिक जानकारी आपके अपने क्षेत्र में जानने के लिए। धन्यवाद।